हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है पार्ट वन न्यू एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों, यहां पर जैसा कि आपको पता हो कि 20 दिसंबर से शुरू होने वाला परीक्षा जो आपका स्थगित कर दिया गया था, तो फिर से आपके यहाँ पर न्यू डेट को जारी कर दिया गया है कि आपका कब से एग्ज़ाम लिया जाएगा पार्ट वन का सेशन 2018 से 2021। तो जो छात्र 2018 से 2021 के छात्र हैं, उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कब से आपका परीक्षा लिया जाएगा और रूटीन को कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर पल छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, 6 से शुरू हो सकती है स्नातक पार्ट वन की परीक्षा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपका 20 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला था, किसी कारणवश से आपका एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया था। जो अब आपका एग्ज़ाम नया डेट जो आपका होने वाला है वो 6 से शुरू हो सकता है आपका पार्ट वन की परीक्षा। चलिए पूरी खबर को जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर देख सकते हैं, आज का न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है, बिहार BRA यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पर प्रकाशित किया गया है। BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट वन की परीक्षा 6 जनवरी से शुरू हो सकती है। विश्वविद्यालय 3 से 4 दिनों में परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर देगा। यानी कि विश्वविद्यालय यानी कि BRA बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से आपका जो नया रूटीन जारी होगा वो 3 से 4 दिनों के अंदर में आपको जारी कर दिया जाए। जैसे ही आपका रूटीन जारी ही होता आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपका रूटीन को जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 2019 की ही है जो 20 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 20 दिसंबर से शुरू होने वाला था, आपका स्थगित कर दिया गया। कॉपियों की कमी व 1.5 दर्जन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपियों की कमी यानी कि कॉपी कमी हो गया था और 1.5 दर्जन ऐसे कॉलेज थे जिनमें एडमिशन लेने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया था। इसी के कारण से यहाँ पर परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और विश्वविद्यालय का कहना है कि कॉपियों की कमी को दूर कर लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि पार्ट वन की परीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू करने की योजना है, यानी कि जनवरी का फर्स्ट सप्ताह में ही आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और उसका रूटीन भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम 2 से 3 दिन में तैयार कर जारी किया जाएगा, यानी कि तैयार हो रहा है, आपको 2 से 3 दिनों के अंदर में यह जारी कर दिया जाएगा आपका जो भी रूटीन होगा नया एग्जाम डेट को लेकर। और दोस्तों, यहाँ पर दिया गया पार्ट वन में 1.25 लाख छात्रों की परीक्षा देनी है। इधर सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर हेंद्र कुमार ने कहा कि जिन छात्रों का एडमिशन हुआ है उन छात्रों को भविष्य को देखते हुए विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन करें ताकि वे परीक्षा दे सके। यानी कि यहाँ पर जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, एडमिशन है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो उनको छात्रों के भविष्य को देखते हुए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आदेश दिया गया ताकि वो परीक्षा में शामिल हो सके। तो ये था मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जो कि पार्ट वन से रिलेटेड है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास जो भी पार्ट वन की परीक्षा देने वाले हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरह का बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल के अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल के बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी न्यूज़ आपको दी जाती है बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी तो आपको सबसे पहले आप देख पाएँ।